21 में क्या है कि 0.342 गुना 0.684 अपॉन 0.000342 गुना 0.000171 है ना। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, और हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट का वर्गमूल बताइए। इसका क्या पूछा है, वर्गमूल है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे टोटल है 6 डिजिट है ना। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, तो यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के पहले दशमलव है, तो यहां भी 6 डिजिट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा है कि नहीं। यहां भी 3 3 6 है, तो यहां पे भी क्या होगा, 3 0 लग गया राइट है। अब ये 0 0 लगने से क्या होगा, हमारा ऊपर नीचे कॉमा पॉइंट हमारा हट जाएगा है कि नहीं। तो ये क्या बचेगा भाई हमारा, ये बचेगा 342 1 2 3 अपॉन 342 गुना 684 1 2 3 अपॉन 171 राइट है। तो ये कितना होगा, 1000, और ये कितना होगा, 4 बार में कटेगा तो 4000। अब बताइए इसको हम यदि निकालें तो ये कितना होगा, यानी 4 पर कितना 0 हो गया, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 राइट है क्या। हेलो, हाँ बोलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे पॉइंट को बैलेंस करेंगे राइट है, ऊपर और नीचे पॉइंट को बैलेंस करेंगे ओके। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि, हाँ बोलो, किसी को नहीं समझा तो बोलिए, मैं बता रहा हूँ अभी। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 निकालेंगे, ख़त्म कहानी। तो इसका हम निकालने जाएं तो कितना होगा, 4 का निकलेगा 2 और 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 6 जीरो को बाहर कितना निकलेगा, 3 जीरो, यानी 2000 हमारा क्या होगा आंसर राइट है। बोलिए किसको नहीं समझा, किसको नहीं समझा जल्दी बोलिए, किसको नहीं समझा है जल्दी से कमेंट कीजिएगा, नहीं फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा है ना। क्लियर है, निर्मला नहीं समझा, ठीक है बता रहा हूँ। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या है कि 0.342 गुना 0.684 और दिस है ना। तो हम सबसे पहले क्या बोला था मैंने, पॉइंट को हम बैलेंस करेंगे भाई दोनों जगह। यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, ध्यान से देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने कल पढ़ाया था ना, कल हमने क्या पढ़ाया, जैसे 0.2 दिया रहता था और 0.05 राइट है, और नहीं तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, वो देख लेना। यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉइंट पॉइंट हटेगा, तब जाके ये 20/5 होगा, कल भी समझाया था। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ 6 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो हमने 3 0 और डाल दिया, तो इधर भी हो गया 6 और यहाँ भी हो गया 6, तो पॉइंट यहाँ से हट गया है कि नहीं। उसी तरह इस तरफ क्या है तुम्हारा, देखो ये 6 डिजिट था, तो यहाँ भी 6 करेंगे, तो पॉइंट पॉइंट हट गया, तो यहाँ क्या बचा, 684 000 और 171। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 342 से तो ये 1 बार में कट जाएगा यानी 1000, और ये 171 से ये 4 बार में कट जाएगा बोले तो 4000 राइट है। तो ये 1 × 4 = 4, 1 2 3 4 5 6 0 है कि नहीं। तो अब बताइए देखो ये जो तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ टोटल टोटल 0 कितना है, देखो 3 और 3 6, तो 6 0 का बाहर निकलेगा 3 0 और 4 का कितना निकलेगा 2, मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 2000 ठीक है।
समझा निर्मला? हाँ ओके, हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। किसी को नहीं समझा तो बोलिएगा, किसी को नहीं समझाए तो बोलिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। किसी को नहीं समझा है तो बोलिएगा, फिर से समझाना है तब भी बोलिएगा, दोबारा बताएंगे। चलो कोई कमेंट नहीं, मतलब सबको समझ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सबको समझ गया ना ये? चलो अब देखो ध्यान से, नया कॉन्सेप्ट जो हमें जानना है, राइट है। अब हमें जो है नया कॉन्सेप्ट जो हमें जानना है वो अब आप ध्यान से देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, अब मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा इस फॉर्मूले पे, ध्यान से देखो सब लोग ध्यान से देखो। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो इस फॉर्मूला के बेस्ड में ना स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आता है, राइट है। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कहीं क्वेश्चन दे दिया कि दे दिया जीरो, मान के चलिए यहां दे दिया 9, यहां दे दिया 2, 3 जा 6, 4 जा 24 और यहां दे दिया 16, है ना। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तो हम एक उपाय है कि हम सबको जोड़ देंगे और निकाल देंगे, 24 और 16 40 7 आएगा। लेकिन मैं इसका इस फॉर्मूले बेस्ड पे कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। ये है हमारा 3 का स्क्वायर, ये है हमारा 4 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 2 3 6 6 4 24 लिख सकता हूँ क्या? तो ये कुछ हमारा इस तरह से हमारा, मैं ये जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मतलब हम इसको लिख सकते कि नहीं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, राइट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, मतलब 7। आप बोलिएगा सर ये तो हमें पता है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा ना, क्वेश्चन तुम लोग को ये नहीं देगा, ये तो बस जस्ट में समझाने के लिए दिया था। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर प्लस 1.2 × 0.6 गुना 0.6 गुना 0.03 और यहां दे दिया 0.03 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जस्ट अब बता रहा हूं सही क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आता है, है ना। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, समझिए, नहीं समझे पूछिए। तो ये कितना होगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, ए का स्क्वायर है, ये क्या हो गया, ये क्या है हमारा, बी का स्क्वायर है। अच्छा देखो, ए का वैल्यू कितना है 0.6, बी का वैल्यू कितना है 0.03 और यहाँ क्या होगा 2a और b, मतलब हम अंदर क्या लिख सकते हैं, 0.6 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर हमेशा कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.6 प्लस 0.03, यानी हमारा आंसर कितना होगा 0.63, ठीक है। हमारा आंसर कितना होगा 0.63। तो इसी बेस्ड पे जो है, ये जो मैंने नोट्स में एक क्वेश्चन डाला है वो दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं बताऊंगा तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था।
स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाले फॉर्मूले का यूज, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन है 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 गुना 0.03 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, देखिए ये है a का स्क्वायर, ये क्या है b का स्क्वायर, और ये बीच वाला क्या है 2 इंटू a इंटू b, यानी हमारा हमारा यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, हमारा यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू है 0.6, ए का वैल्यू कितना है 0.6 और बी का वैल्यू 0.03, तो 0.6 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। हाँ आगे देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जिसको ना समझ में आए तुरंत कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अंडर रूट ऑफ 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 गुना 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है, है ना। अब देखिए यहाँ पे चूंकि स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है ना, तो समझ जाइए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको a दे दिया है, हमको क्या नहीं दिया है भाई, हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हमको यहाँ पे ए स्क्वायर दे दिया, बी स्क्वायर दे दिया, ए दे दिया, क्या नहीं दिया है 2 इंटू बी। तो क्या मैं ये 0.404 को लिख सकता हूं क्या 2 इंटू 0.202। हमको जो है यहां पे देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, ये हम इसको जो है 0.404 को 2 इंटू 0.202 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब देखिए ये हमारा कैसा हो गया, अब बताइए ये कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, 0.798 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.202 गुना 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर, ओके। तो बताइए ये कितना है भाई हमारा, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया 2ba प्लस b का स्क्वायर, मतलब यही चीज आ गया कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे वन दिया हुआ है बाहर में, है ना। तो बताइए यानी ये कितना आ गया, 0.798 प्लस 0.202 बाहर में कितना होगा प्लस वन, तो ये 8, 2, 10, 9, 1, 10, 7, 2, 10, 1 और 1, बोले तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है, समझ में आया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे ना अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्या है ना चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जाम आएगा तो अच्छा आएगा। अच्छा नहीं समझा, ठीक है बता रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या बोला, यहाँ दिया हुआ है 0.7, यहाँ पे क्या था सीधे सीधे 2 इंटू 0.6 गुना 0.03 दे दिया था, तो तुम लोगों ने आंसर ले आया था, राइट है। अब मान लो यही क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के देता, यही क्वेश्चन को क्या लिखता, ध्यान से देखो, यदि इस क्वेश्चन को ऐसा कुछ लिखता कि 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 गुना 0.03 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा जा सकता था, है ना। तो ये कैसा होगा, ये क्या था हमारा, ये तो था ए स्क्वायर, ये तो था बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी दिया है, ए नहीं दिया हुआ था, ध्यान से देखो। तो क्या मैं 1.2 को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि हम देखो अब सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो नहीं, तो अपने को यहाँ लगाना है फॉर्मूला, है कि नहीं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 12 को 1.2 को 2 इंटू 0.6, कहने का मतलब 2 इंटू 0.6, तो इससे क्या होगा, ये हो गया हमारा 2, ये a और ये b, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने वापस यही चीज आए कि नहीं आया। तो उसी तरह यहाँ पे क्या किया है इसने जो है,
क्या दे दिया है, 0.404 दे दिया है हमें, तो दिख रहा है कि a का स्क्वायर हमें मिल गया, b का स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए था 2, तो 2 तो यहाँ है ही नहीं, राइट है, तो हम पहले 2 लाएंगे, तो हमने क्या किया, 2 यदि हम कॉमन बाहर निकालेंगे, तो ये 2 बाहर निकालें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.202 बचेगा कि नहीं, हाँ, तो इससे क्या हो गया, यहाँ से हमें क्लियर हो जा रहा है कि भाई ये तो a का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया b, और ये क्या हो गया a, और ये क्या है b का स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट है, तो ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट है, अब बताओ रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा दिस प्लस 1, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, बोलिए समझा, समझा कि दोबारा बताऊं, बोलिए जल्दी से, टेंशन मत लो, नहीं समझा मैं दोबारा बताऊंगा, हाँ ठीक है, ओके, क्या है ना अब नोट्स में तो अब इजी क्वेश्चन रहेगा नहीं ना, एग्जाम में तो चिल्लर क्वेश्चन आता नहीं है, तो मैंने नोट्स में चिल्लर क्वेश्चन डाला ही नहीं है, है ना, समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए डेली पढ़ना जरूरी है, डेली नहीं पढ़िएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगा, पहली बार बार मैं यही चीज बता रहा हूँ। चलिए ये तो था एक, अब ना इसमें ना और एक तरह का क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, है ना, कैसा आता है क्वेश्चन, जैसे दिया हुआ है, अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन बताऊं आप लोगों, जैसे क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि 5 प्लस, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2√6 क्या होगा, है ना, तो देखिए जब भी ये स्क्वायर रूट वाला सवाल रहेगा ना और अंदर में इस तरह कुछ दिया रहे, समझ जाइएगा कि यहां पे हमें a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है, ये समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, हमें देखना है कि यहाँ पे हमेशा एक 2 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए भाई 2, है ना, तो यहाँ पे है 5 और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे क्या है 6, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2 + 3 = 5, और ये क्या होगा 2 × 3 = 6, माने ऐसा संख्या जिसको जोड़ने से ये बाहर वाला और इधर वाला आना चाहिए, समझे कि नहीं, क्या हम 5 को लिख सकते हैं, देखो मैं इसको लॉन्ग कट में बताता हूँ फिर शॉर्टकट बताता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 5 को 2 + 3 और इधर क्या हो गया 2√6, ठीक है, अब देखिए, हाँ प्रणीत बता रहा हूँ, देखो इसको इसको गोली मारो नहीं समझा तो, चलो लॉन्ग कट देखो फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये क्या दिया है 5 + 2√6, इसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो हम बोलो 5 को 2 + 3 या 3 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो 5 को हमेशा बड़ा 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 लेना पहले फिर छोटा वाला, बोलो 3 + 2 लिख सकते हैं, तो इससे क्या हुआ ध्यान से देखिए, ये जो है 3 को फिर, चूंकि यहां अब स्क्वायर रूट है ना, तो अंदर में हमको जो है अंदर में हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना पड़ेगा, तब ना ये और ये कटेगा, है कि नहीं, हमको जो है उसको कटिंग कर छांटने के लिए एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी चीज को जब हम स्क्वायर करते हैं ना, रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो ये और ये कट जाता है और हमारा अंदर वाला डिजिट बचता है कि नहीं, तो बताइए हमको अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब क्या इसको ऐसा तो नहीं ना रूट सिक्स का वैल्यू निकालेंगे, 2 से गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये तो काफ़ी दिक्कत वाला बात है कि नहीं, तो इसीलिए हम अब यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, तो हमने क्या लिखा एक क्वेश्चन देखिए, बाकी उसी तरह बनेगा, जितना भी इसमें क्वेश्चन आता है ना सब एक जैसा बनता है, समझने का फिर है, देखिए यहाँ पे क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ, क्या मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर,
ये क्या हो गया, यहाँ ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बी का स्क्वायर। अब हमें यहाँ टू ऑलरेडी दिया है। अच्छा बताइए, सिक्स को हम जो है थ्री और टू में तोड़ सकते हैं कि नहीं? क्या मैं सिक्स को लिख सकता हूँ कि नहीं, थ्री गुना टू? तो ये हमारा ये स्टेप समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से फिर हमारा आगे क्वेश्चन बनेगा, यही मेन स्टेप है। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट थ्री गुना रूट टू। देखिए इससे करने से क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट है। तो बताइए ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा रूट थ्री प्लस रूट टू। ये इसका लॉन्ग कट है, ठीक है, यानी एक एक स्टेप करके हमने बनाया। समझा? समझा नहीं तो मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये तो था इसका लंबा मेथड, ठीक है, ये क्या था इसका लंबा मेथड। अब देखिए इसका छोटका मेथड। लंबा मेथड में समझ गया बट रिपीट करो, हाँ रुको, समझ गया बट रिपीट करो, तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, इसको अभी रहने दो, ठीक है। फाइव प्लस टू रूट सिक्स बताया ना, जैसे एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ये तो लॉन्ग कट तरीका बता रहा हूँ, है ना, जैसे 8 प्लस टू रूट पंद्रह, जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर रूट 8 प्लस टू रूट 15 का निकालिए, ओके ऐसा दिया हुआ है कि नहीं? तो हमें जो है ऐसा डिजिट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, इसका सबका एक ही रूल है, इसलिए ये रूल समझिए, ये रूल समझना जरूरी है ना। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, एक ऐसा संख्या यहां लेना है जिसको जोड़ने से 8 आए, और जिसको मतलब जैसे x प्लस y करेंगे तो 8 आना चाहिए, और x और y को गुना करेंगे तो 15 आना चाहिए, समझो। जैसे यहां पे क्या था, 5 था या 6 था, तो x प्लस y करने से हमको 5 आना चाहिए था, और x गुना y करने से हमको 6 आना चाहिए था। तो देखो क्या होता है, तो इसमें हमने क्या पुट किया भाई, इसमें हमने देखा कि भाई यदि हम यहाँ पे 2 प्लस 3 लेते हैं तो 5 आएगा, और 2 गुना 3 लेंगे तो 6 आएगा, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, 5 की जगह पे 2 और 3, हमेशा बड़ा वाला लो, मतलब 3 और 2 पुट किए, ठीक है। तो इस केस में देखिए 8 और 15, तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम जोड़ने से 8, और दो संख्या जिसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा और गुना करेंगे तो 15। तो बोलिए हम इसको लिख सकते हैं, 5 और 3 होता है 8, और 5 और 3 को गुना करेंगे तो होगा क्या 15। बोलिए ये स्टेप समझ गए तो बाकी सब समझ जाइएगा, ये है बहुत इजी। ये स्टेप समझ गए, मैंने ऐसा दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने से ये आना चाहिए और जिसको गुना करने से ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 5 को लिया 3 प्लस 2, तो अंदर क्या है 6 है, तो 6 को हमने क्या लिखा 3 गुना 2, राइट है। अभी समझा, यहां तक समझा सबको? ये हर क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा, ये एग्जाम में आता है, समझे, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए हमने क्या बोला कि जब भी अब रूट है तो हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा? क्या मैं लिख सकता हूं 5 को, क्या लिख सकता हूं रूट 5 का होल स्क्वायर, 3 को रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2 गुना रूट 5 गुना रूट 3। तो देखिए इससे ये क्या हो गया भाई, इससे ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी ये हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कट गया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। अच्छा बोर्ड ना चमकता है ऐसा हमको लग रहा है, काहे ऐसा हो रहा है? चलिए हो गया यहां तक, समझ में आया अब कैसे बनाना इस तरह के क्वेश्चन को? हाँ ठीक है, और किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को डाउट है तो बोलिएगा। हाँ रे आशीष कहाँ चला गया,
किसी को डाउट नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो है कोई डाउट नहीं है ना? तो देखिए एग्जाम में क्या कीजिएगा ना, इतना सारा फॉर इतना सारा बनाइएगा तो काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, है कि नहीं? एग्जाम में आप लोग इतना सारा लिखिएगा, इतना सारा एक एक लाइन को सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो अब हमको दूसरा मेथड, एक तो शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं जिससे जो है शॉर्टकट, अब हाँ बता रहा हूँ। तो अब हम एक दूसरा मेथड देखते हैं जिससे कि तुरंत हम आंसर ले आएंगे, ठीक है? देखिए एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, है ना? हमें फिर वही देखना है कि ऐसा दो संख्या लेना है जिसको जोड़, किसको किसको जोड़ने से पांच आ रहा है, किसको जोड़ने से छह आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा यहां हमेशा x प्लस वाई रहना चाहिए और यहां हमेशा x गुना वाई होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए हम जो है तीन और दो को लेंगे, तीन और दो को लेंगे तो पांच आएगा और तीन और दो को लेने से छह आएगा। उसी तरह यहां पर हमने देखा कि पंद्रह है तो दो चौ आठ, कितना कितना बोला था मैंने, पांच और तीन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पांच और तीन को जोड़ने से आठ होता है और पांच और तीन को गुना करने से पंद्रह होता है कि नहीं? उसी तरह यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, तीन और दो को जोड़ेंगे तो पांच होगा और तीन और दो को गुना करेंगे तो छह होगा, है कि नहीं? नो डाउट, हाँ वेरी गुड, हाँ सर चमकता है बहुत। अरे बता दिया करो तब ना, उसका मैं सुधार करूंगा, क्योंकि क्या है ना, कल मैं दोबारा वीडियो को देख रहा था अपना, तब मेरे को पता चला कि ये प्रॉब्लम है। देखो जब तक तुम लोग मेरे को प्रॉब्लम नहीं बताओगे ना, मैं कैसे उसको सॉल्व करूंगा, राइट है? तो क्या फिर वो लाइट का पोजीशन हमको चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो देखिए एक लाइन में एग्जाम में कैसे बनेगा, है ना? पहले हमने ये दो डिजिट से निकाल लिया कि भाई ये थ्री प्लस टू होता है, ये थ्री गुना टू होता है, ये फाइव प्लस थ्री होता है, ये फाइव गुना थ्री होता है। बस अब कुछ नहीं करना है, बस रूट लगा दीजिए। देखिए इसको हम सिंपल रूट थ्री प्लस रूट टू हो गया आंसर, यदि प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस, हो गया आंसर। यहाँ फाइव है ना तो पहले लिखे बड़ा डिजिट बाद में लिखे छोटा डिजिट, हो गया आंसर रूट फाइव प्लस रूट थ्री। देखिए हम लोग जो इतना सारा सॉल्व किए थे कितना आया था, रूट थ्री प्लस रूट टू, और इसको भी जब सॉल्व किए थे तो रूट फाइव प्लस रूट थ्री, है कि नहीं? तो सिंपल से वो दोनों डिजिट ढूंढिए और दोनों पे रूट चढ़ा दीजिए, और जो है यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहां माइनस है तो यहां माइनस, है ना? और हमेशा याद रखिए बड़ा वाले को पहले छोटा वाले को बाद में, खत्म कहानी, बस इतना ही करना है, ठीक है? क्लियर? इतना सारा झमेला करने का जरूरत है ही नहीं। नंबर ढूंढिए, जो नंबर मिला उस पर रूट मार दीजिए, खत्म कहानी। ओके जल्दी ओके बोलिए भाई, ठीक है? तो अब एग्जाम में जो है, अब एग्जामिनर समझ जाता है कि बाबू ऐसा क्वेश्चन देंगे तो लोग तो तुरंत बना लेगा, तो कैसे करेंगे? ओके अरे दिमाग में मेरा रहा नहीं, समझी? अभी लाइट का पोजीशन चेंज करेंगे, कल देखते हैं, कल फिर मैं थोड़ा पोजीशन चेंज करूंगा लाइट का, फिर बताइएगा, है ना? पहले भी कि पहले, अरे मैं अपना वीडियो देखता नहीं ना, कल देखा खाली तब पता चला। नहीं नहीं वो मैं वो उसका उपाय ढूंढेंगे, अरे बताना चाहिए था मेरे को पर्सनली, मैसेज करना था ना तुम लोगों को, सर चमकता है वो पहले वो कुछ, क्योंकि कल मैं देखा ना तो लगा ये प्रॉब्लम है करके, तो आज मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कल उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है? चलिए अब जो है ना थोड़ा सा वो ना फंसा देगा, कैसा? अब क्वेश्चन देखिए ऐसा दे देगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन दे देगा कि लिखिए, देखिए यहाँ पे दे दिया सेवन प्लस फोर रूट थ्री, ऐसा दे दिया, ठीक है? क्या दे दिया? सेवन प्लस, अभी नहीं करता है बोर्ड साइन, अरे कभी कभी करता है, हाँ चलो देखो सेवन प्लस फोर रूट थ्री दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, क्योंकि एग्जामिनर होशियार है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, ये दोनों में नोट से बता रहा हूँ, पंद्रह प्लस छः रूट छः ऐसा भी दे दिया, ठीक है? मैंने इससे पहले जो दो क्वेश्चन बताया वो अपने से बताया, उसको आप लोग नोट्स में ऐड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे दो रहना चाहिए था तो दो तो है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ दो लाएंगे, तो दो आएगा कैसे, ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सेवन प्लस टू इंटू टू रूट थ्री, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, पंद्रह प्लस टू इंटू थ्री रूट सिक्स। ओके यदि हम इसको ट्रिक से बनाने जाएं, ध्यान से देखिए, तो ट्रिक में क्या था, ये चीज अंदर था, ये चीज क्या था, अंदर। तो यदि हम इसको ट्रिक से बनाना चाहें, देखो जब भी ट्रिक बनाना पड़ता है ना तब हमें कुछ ना कुछ कंडीशन वहाँ ध्यान रखना पड़ता है, और जहाँ ट्रिक नहीं वहाँ ऐसे ही चलेगा। तो मैं इसको दोनों मेथड से बताता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं इसको सिंपल मेथड से पहले बताता हूँ, क्या ये सात है, ये क्या है, ध्यान से देखिए, है ना?
यहां है ये टू, तो ये टू है तो ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी, मतलब जरूर ए हमारा क्या है टू और बी कितना है थ्री, तो ए का स्क्वायर कितना होगा फोर और बी का स्क्वायर कितना होगा बी बोले तो रूट थ्री, यानी रूट थ्री का स्क्वायर है ना, बोले तो थ्री। ध्यान से देखिए ये हो गया टू का स्क्वायर बोले तो फोर है ना, तो कहने का मतलब जरूर यहाँ पे फोर प्लस थ्री लिखेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा, तो हमने इसको क्या लिखा फोर प्लस थ्री प्लस टू इंटू टू रूट थ्री। अब देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, फोर को लिखा टू का स्क्वायर, थ्री को लिखा रूट थ्री का स्क्वायर और ये क्या हो गया टू इंटू टू इंटू रूट थ्री। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है कि नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये इसको हम क्या लिखेंगे टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर बोले तो टू प्लस रूट थ्री हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कहीं गलत है क्या, टू प्लस रूट थ्री, हाँ। तो ये था हमारा लॉन्ग कट तरीका, राइट है, लॉन्ग कट सदाबहार होता है और हम इसको शॉर्टकट में बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसमें क्या पढ़े थे एक टू रहता था, ये टू को अंदर घुसा देंगे। मैं इसको आप लोग बना लीजिएगा, मैं इसको शॉर्टकट मेथड से बनाता हूँ। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा यदि हम लोग शॉर्टकट मेथड बनाना चाहें तो, है ना। तो मैंने क्या बोला था अकेले टू बेचारा अंदर रहेगा, ये चला जाएगा अंदर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे भाई 15 प्लस 2 6। अच्छा बताइए रूट के बाहर एक है तो अंदर जाएगा तो दो ठो होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया 15 प्लस 2 रूट 3 तिया 6 6 6 36। अब बताइए हमें जो दो डिजिट लेना है जिसको जोड़ने से 15 और गुना करने से 36 आएगा, ऐसा है क्या कुछ, 6 तिया अरे नहीं 3 3 9 9 6 54 आएगा, 54 54 है ना। अच्छा बताइए ऐसा कौन सा यहाँ डिजिट होगा जिसको हम जोड़ेंगे तो 15, हाँ सिंपल है कि यदि हम 9 और 6 को जोड़ते हैं तो 15 आएगा और 9 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 54। तो सिंपल हमने आंसर क्या बोला था, आंसर होगा इसका रूट 9 प्लस रूट 6, रूट 9 को बाहर निकालिएगा तो क्या होगा 3 और इधर क्या होगा रूट 6, हो गया आंसर, राइट है, हो गया। बस उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग इसको अंदर कर दें तो ये क्या होगा 3 2 2 4। देखो मैं इसको इसका भी शॉर्टकट बता देता हूँ, ध्यान से देखिए इसका शॉर्टकट कैसे होगा। जब भी हम ट्रिक पढ़ते हैं ना तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, नहीं तो ट्रिक फेल। तो ये 2 को यहाँ रख देते हैं, अंडर रूट क्या होगा 3, 2 अंदर चला जाएगा तो 2 इंटू 2, तो ये कैसा हो गया भाई अंडर रूट 7 प्लस 2, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब बताइए अब कौन सा नंबर जोड़ेंगे और ये होगा, तो देखिए 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 होता है, हमेशा बड़ा वाला डिजिट पहले लेना है, और 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 आएगा, यानी अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी से। फर्स्ट का शॉर्टकट, अरे क्या है अब बताओ, टू अंदर घुसाएंगे ना, हमें तो बाहर एक ही टोटू चाहिए ना, हमको बाहर एक ही टोटू चाहिए, दो टोटू हम बाहर रख के क्या करेंगे, क्योंकि हमारा शॉर्टकट में क्या कहता है खाली टू बाहर रहना चाहिए, देखो पीछे का क्वेश्चन, तो इसीलिए हमने क्या किया एक टू को अंदर घुसाएंगे, तो जब स्क्वायर रूट में दो के बदले एक बाहर निकलता है ना, तो अब बाहर एक है तो अंदर दो चला जाएगा, तो अंदर कितना हो गया टू इंटू टू, तो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब देखिए तो ऐसा कोई नंबर जिसको हम जोड़ने से 7 और गुना करने से 12 आना चाहिए, तो देखो 4 और 3 होता है 7 और 4 और 3 होता है 12, होता है कि नहीं, तो इसीलिए 4 प्लस 3 तो हो गया, एक क्लास हमको अब पता चल गया भाई, एक हो गया 4 एक हो गया 3 है ना। बस खत्म कहानी।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर रूट में भी ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल सिंपल पूछ देगा, उसमें भी बहुत सारा इधर उधर रहता है, समझे। इसीलिए हम लोग को हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ऐसे नहीं जैसे मन तैसे नहीं पढ़ना है बाबू लोग। हाँ ठीक है, चलो अब एक और देखो, इसमें एक और जैसा एक और टाइप आता है, नहीं एक और टाइप है क्या, देखने दो मेरे को। तो ठीक है हो गया। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो हमें कैसे करना है, समझ गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज कैसे करना है। ओके चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर में ना इतना वैरायटी पूछता है, समझे। तो इतना सारा वैरायटी को आप लोगों को याद रखना है ना। तो अब ये हमारा हो गया खत्म। खत्म का मतलब अब कौन सा नहीं बनेगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि अंडर रूट ऑफ 0.01 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.0064 है ना। अब इसका वैल्यू निकालने कहा गया है, ओके हमें जो है इसका वैल्यू निकालने कहा गया है ना। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से देखिए। अरे हाँ दो वैरायटी, हाँ और हाँ हाँ वैरायटी उतना ही है। चलो देखो ध्यान से बोलिए, यहाँ कितना होगा 8, 1, 2, 3, 4 मतलब दो अंक के बाद दशमलव, और ये कितना हो गया 0.01 राइट है। तो ये हो गया हमारा 0.09। हम लोग सबसे पहले ये अंदर वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। 64 हो जाए तो 8 हो गया है ना, 64 है तो 8 और 0.08 हो गया ये। अब बताइए ये कितना हो गया 0.09। अच्छा अब बताइए 9 का कितना होगा, 3, दो अंक है तो आंसर में कितना होगा, एक ही अंक होगा है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि यदि दिस एक पूर्ण वर्ग है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 5416x6 पूर्ण वर्ग है तो x के अंक पर क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखिए मैं पहले बताऊं, इस तरह क्वेश्चन रहेगा हमें लॉन्ग मेथड में जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो लॉन्ग मेथड में कैसे होगा ध्यान से देखिए। अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या 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 ऑप्शन है इसका, 9, 4, 5 और 6। तो देखिए ये हो गया 5416x6 राइट है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये दो डिजिट फिर ये दो डिजिट फिर ये दो डिजिट। तो सबसे पहले है 54 मतलब 54 का मतलब क्या हो गया 5, 8, 8 + 7, 7 = 49 राइट है। तो ये बचा 5, 516, 7 और 7 = 14 है कि नहीं। तो पहले आ गया 7, अब बताइए यहाँ 4 है, 4 से जाएगा क्या, 4, 4 + 16 = 6 and 1, 4, 4 + 16 = 17 नहीं चलेगा, मतलब 576 ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3, 3 + 9, 3, 4 + 42 अब बताइए। तो यहाँ आ गया 9, 7, 16, 8, 2, 10, 8, 7 और यहाँ आ गया 1, 4, 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x6 नीचे आ जाएगा है ना, x और 6 आ जाएगा है ना। तो देखिए क्या होता है, 6 कब आएगा, जब हम देखिए 1 को 1 से गुना करने से 6 नहीं आएगा, 2 से 2 को गुना करेंगे 6 नहीं आएगा, 3 से 3 को गुना करेंगे 6 नहीं आएगा, 4 से 4 को गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो 4 जा करके देखते हैं, 4 + 16, 4 + 24 = 25, 4 + 16, 4 + 24 = 125 और 2, 4 + 16 और 2 = 18, 4 = 4 काफ़ी छोटा हो जा रहा है ना, तो ये भी नहीं चलेगा।
अगला क्या होगा, 6 6 36 होता है, तो हम यदि 6 पुट करके देखते हैं तो देखो 6 6 36 हैंड में 3, 6 6 39 का 9 हैंड में 3, 6 14 84 और 3 8 7 9 6। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल जा रहा है कि वहाँ ऊपर है 8 7 9 6 है ना, नीचे यानी x की जगह पर यदि हमारा 9 होता तो ये पूरा कट जाता है कि नहीं, और हमारा आंसर क्या होता 736, राइट है। तो इसलिए हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 9, ओके। इसलिए हम क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा हो गया, क्लियर है। अरे लड़का जो कमेंट नहीं कर पा रहे हो ना, जो कमेंट नहीं कर पा रहे हो उन लोग जाके रजिस्टर कर लो, समझे, जो कमेंट नहीं कर पा रहे हो उन लोग जाके ना उन लोग जाके रजिस्टर करवा लो, क्योंकि एक है बच्चा जो कमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो कमेंट नहीं कर पा रहे हो वो वहीं पे सेटिंग होगा, मैं एक बच्चा है जो कमेंट नहीं कर रहा है ना, चलिए तो आज ना यहीं पे क्लास खत्म करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग जो है घर में, कल से क्या क्यूब रूट अब चालू होगा, तो ये जो है अभी तक मैंने जो पढ़ाया ना ये है, तुम लोग का कहाँ तक कंप्लीट हो गया, तुम लोग जो है ना बना लोगे 33 तक, है ना, 33 तक पूरा हो गया। अब ना जो भी है अब जो है अब सब क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है, तो ये मैं कल पहले क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल जो है मैं पहले क्यूब रूट का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे आगे। तो कल जो है हमारा टाइप वन ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग जो है कहाँ से कहाँ तक बना के आइएगा, देखिए आप लोग जो है अभी टाइम कितना हो गया, थोड़ा सा बाकी है नहीं, एक्चुअली हाँ 7 5 7 55, ठीक है, नहीं आज इतना ही रहेगा ना। ध्यान से देखिए आप लोग कहाँ से कहाँ तक बना के लाइए, कोशिश कीजिएगा आप लोग बनाने का होमवर्क में, 42 से बनाने का कोशिश कीजिएगा, 42 से बन जाएगा, है ना, 42 से 53 तक, यहाँ तक पहले बनाइए, और 1 से 33, कल तो 1 से 29 तक बोला ही था ना, तो 1 से 33 तक में, कल तो 29 तक बोला ही था तो आज 33 तक हो गया, और इधर 42 से 53, ये लोग आप लोग इसको बनाइए, ठीक है, फिर जो डाउट होगा वो मैं कल बताऊंगा, है ना, फिर जो डाउट होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हाँ बाबू थैंक यू, और कल से टाइम जो है 6:30 बजे रहेगा, है ना, कल से टाइम रहेगा 6:30 से 7:30, बिल्कुल पढ़ना है तो भाई आना पड़ेगा, 6:30 से 7:30 टाइम रहेगा, और अभी जब तक अभी फिलहाल यही टाइम चलेगा 6:30 से 7:30, है ना, और थोड़ा समय से आ जाया कीजिए सब लोग, ठीक है, सब लोग थोड़ा समय से आ जाया कीजिए ताकि लेट ना हो, क्योंकि क्या है ना देखो शुरुआत में ना लगभग 10 मिनट सर, हाँ बाबू फिर तो बाद में लेक्चर दूंगा ना, क्योंकि मेरे को ना अब दूसरा लेक्चर भी लेना है ना बाबू, और फिर अभी साइंस का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, तो सब टाइम को एक से एक के आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ेगा ना, अभी इसके बाद मैकेनिकल चालू होगा, इससे पहले साइंस चालू होगा, है कि नहीं, तो फिर वो मैडम का भी जो टाइम है सेट करना पड़ेगा ना मेरे को, इसीलिए चलिए ठीक है, आप लोग इतना ट्राई कीजिए, फिर कल मिलते हैं 6:30 बजे टाइम पे सब लोग पहुंच जाए कीजिए, ठीक है, लेट मत कीजिए, लेट करते हो पता है क्या, शुरुआत में बहुत कम बच्चे थे बाद में फिर बढ़ गए, और नेक्स्ट एक यूनिट का नोट्स दीजिए ना साथ में प्रिंट करा लेता, हाँ ठीक है अभी ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, अभी मैसेज कर देना जब क्लास हो जाएगा उसका मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है, चलो ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, है ना, चलिए रखिए, गुड नाइट।